आर्मी अदालत इंसाफ में नवाज शरीफ का इंटरव्यू पेश करने का मामला। कुलभूषण केस में भारतीय वकील ने नवाज शरीफ का इंटरव्यू बतौर सबूत पेश किया। हलफ की पासदारी न करने पर बगावत की कार्रवाई की जाए, एडवोकेट अजहर सदीक की हाई कोर्ट में दरख्वास्त। नवाज शरीफ और शाहिद हकान अब्बासी ने हलफ की पासदारी नहीं की, दरख्वास्त में मौकफ। पंजाब असम्बली इजलास का तीसरा रोज महकमे स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। ख्वाजा सलमान रफीक असम्बली में पहुंच गए। अराकीन असम्बली की मुआवनत के लिए स्पोर्ट सेल तश्कील देने का फैसला। अरकान को तहारीक, सवालात, कानून साजी और दीगर असम्बली कार्रवाई में रहनुमाई फराहम की जाएगी। सेल 6 अफसरान और 1 कोऑर्डिनेटर ऑफिसर पर मुश्तमिल होगा। नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में आठवां रोज मामूल के मुताबिक तिब्बी मुआयना जारी। नवाज शरीफ जिना अस्पताल से एंजियोग्राफी कराने को तैयार नहीं। मेडिकल बोर्ड आज फिर सेहत से मुतालिक मुशावरत करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 1 अरब रुपए का हद तक इज्जत का दावा। सेशन कोर्ट ने इमरान खान के वकला को आज तलब कर लिया। पेनामा लीक्स के मामले पर इमरान खान ने झूठा इल्जाम आयद किया, शहबाज शरीफ का मौकफ। मकतूल जीशान के भाई एहतशाम ने GIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं GIT से इंसाफ की तवक्को नहीं थी, जुडिशियल इंक्वायरी पर पूरा यकीन है। आला अफसरान अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदियों में कैद पाकिस्तानियों के अहले खाना की दुआएं रंग ले आईं। सऊदी वलीअहद के ऐलान के बाद पाकिस्तानी कैदियों की वापसी जारी। मजीद 150 कैदी वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम अफराद अपने प्यारों को देखने के लिए बेताब नजर आए। और हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए मैदान कल सजेगा। सदारती नशिस्त के लिए हफीजुर्रहमान चौधरी, खादिम हुसैन कैसर और साजिद बशीर के दरमियान मुकाबला। 16,226 वकला बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोट कास्ट करेंगे। 783 खातीन भी हक के राह दई इस्तेमाल करेंगी।